गाइस, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस खान। मोहम्मद यूनुस खान, याद दिला दिया मुझे। और मेरे साथ हैं इस वक्त बहुत सारा। तो भाई, आज आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सारा, मतलब बहुत सारा से पहले हमारे दिल, हर दिल के अजीज यूनुस। ठीक है जनाब, तो आज हम कहाँ मौजूद है? आज हम मौजूद है किसी फूड का रिव्यू जस्ट हम नहीं करेंगे, किसी एक रेस्टोरेंट है, हम पूरी फूड वैली में आ गए हैं आज। जबरदस्ती फूड वैली जिसका नाम है मन पसंद। तो आज हम आपको यहाँ पे एक्सप्लोर तो करेंगे। इसका क्रेडिट किसको जाता है? आज हमें यहाँ पे जो यहाँ पर लेके आए हैं, हमें ये मौका दिया है कि हम इसको एक्सप्लोर करें फुली, वो दिया है हमारे हर दिल अभी पिज्मा ने। तो हम पिज्मा के बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया। बिल्कुल, हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पिज्मा को। थैंक यू पिज्मा। अच्छा जी, तो आज जब हम यहाँ पहुंचे, मेरे दिल में एक शरारत सी आई। मैंने सोचा हाँ आई ना, आप मत परेशान हो, आपका कोच नहीं चैलेंज करूंगी मैं, तो चैलेंज असल करूंगी ना वो हमारी, हम सबकी अजीज एक शख्सियत है, उनके साथ करूंगी, तो मिलवा दूं उनसे। मिलवाए बिल्कुल, मैं भी मिलना चाहूंगा। तो चलिए आइए, मिलवाती हूँ मैं उनसे आपको। श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग, ये देखिए मेरा जादू, मैंने समीना बाजी को बुला लिया है। समीना बाजी नहीं, आज हमें समीना वर्सेस सारा, क्योंकि आज हम करने वाले गोलगप्पा चैलेंज। देखते हैं कौन जीतता है, किसने कितना हमें ले रही है। एक्सेप्ट कर लिया है भाई चैलेंज। तो आइए हमारे साथ फूड वैली भी एक्सप्लोर करते हैं और गोलगप्पा चैलेंज भी करते हैं। तो रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आइए हमारे साथ। इतनी खुशफहमी तो है या गलतफहमी, देखते हैं आगे वीडियो में। हमारे पास सबसे ज्यादा स्पेशल तो हमारा अखलाक है। और हमारा नाम जो है मन पसंद फूड वैली मस्कन चुरंगी, ये स्पेशल। उसके बाद मेरे पास जो आइटम है वो एक से दूसरे बढ़कर है, मतलब हर चीज डिफरेंट है मेरे पास। तकरीबन 28 आइटम है मेरे पास, 28 आइटम की वैरायटी है। इसमें फ्रेंच फ्राइज की काफी सारी वैरायटी है, सूप की 4 वैरायटी है, और गोलगप्पे, चना चाट, बंगारा दही बड़े, स्पेशल मीठी पापड़ी पूरी, स्वीट एंड सॉर दही बड़े, भल्ला पापड़ी, गप्पा राजा, कटोरी चटोरी, स्पाइसी पोटैटो, और भी कुछ बताऊं, चटपटी पापड़ी। इसमें सबसे स्पेशल कौन सी है? सबसे स्पेशल स्पेशल मीठी पापड़ी पूरी, जो आपको खुद को पसंद है। मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सर्दियों के हिसाब से? सर्दियों के हिसाब से तो हमारा इस वक्त जो चल रहा है बटेर की यखनी बहुत चल रही है। बटेर की है ना, हमारे देखने वालों को गाइड करते हैं। हमारी जो लोकेशन है मेन मस्कन चौरंगी, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 4, ग्रेस शॉपिंग मॉल के नीचे, मन पसंद फूड वैली के नाम से। अच्छा, मैं एक चीज मेरे जहन में आ रही है, ये मन पसंद नाम आपने क्या सोच के रखा है? थोड़ा सा ऐसा होता ना कि भाई मेरे वालिद साहब ने रखा जी, या मुझे अच्छा लगता था, ऐसे कोई चीज़ है? सर, ये नाम जो है मेरे बेसिकली मेरे उस्ताद मिस्टर आबिद वली, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे बहनों ही भी हैं, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने ये मन पसंद नाम दिया, लेकिन नीचे जो फूड वैली आया है वो सिर्फ एक ही है, वो मेन मस्कन चौरंगी पे, मन पसंद फूड वैली मेरे छोटे भाई ने दिया। अच्छा, आपके छोटे भाई कामिल मजीद। चले आपके तमाम टाइमिंग, टाइमिंग जो है हमारी सुबह 11 बजे से लेकर रात 2 बजे तक की टाइमिंग है। पहले जो हमारी टाइमिंग थी रात 12 बजे तक की थी, लेकिन अब कस्टमर्स के हमारे बेहद इसरार के बाद हमने टाइमिंग 2 घंटे और बढ़ा दी, रात के 2 बजे तक की हमारी रोजाना टाइमिंग। अच्छा, रात को 2 बजे मतलब बंद करते हैं, 3 ही बज जाते हैं तकरीबन। ठीक है, और हमें यहाँ पे लेकिन सारा एक भी हर दिल की पसंद मन पसंद।
अपना गोल अपना चैलेंज जो भी मैं जीतने वाली आने वाले मौजूद मेहमानों को कुछ हम जीत कहते हैं। वन टू थ्री स्टार्ट। ये देखिए ये ताना की बने हैं, चार कोई कपड़े और ये देखिए भाई ये समीना अंजुम की बने हैं। और भाई 5,000 रुपए दो पहले 5,000 तो दो पहले है जी। तो जनाब ये देखिए इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ मन पसंद के जबरदस्त से बटेर और चिकन के यखनी के स्टॉल पे। ये देखिए जनाब ओह यखनी चेक कीजिए यार यखनी यहाँ मुर्गी भी लड़की भी इसके रेशे करके इसमें डाल के देते हैं। दूसरा ये आ गया जबरदस्त बटेर का सूप, इसमें मौजूद है देसी अंडे। ओ ये देखें भाई ये मैंने डाला है उनको बेचारों को थोड़ा मासूम को थोड़ा गर्माई दे दे सर्दी हो रही है ना। ठीक है जी तो ये आपने देखा बटेर और चिकन के सूप का स्टॉल यखनी कहते हैं इसको हम सूप नहीं कहते। और यहाँ पे मौजूद है चिकन कॉर्न सूप का सामान जिसमें यहाँ पे कॉर्न भी मौजूद है। ओह ये प्रॉन भी है, प्रॉन के साथ भी सर्व करते हैं हॉट एंड सॉर में ये लोग प्रॉन भी सर्व करते हैं। और ये आ गया है कॉर्न, ये आ गया है जो वो होती है ना स्प्रिंग ऑनियन का बैक साइड का जो ग्रीन हिस्सा होता है मतलब आल की प्याज का ग्रीन पार्ट। और ये है बॉइल्ड चिकन, ये सारे इनके सिजलिंग्स रखे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनके भी सारे जो सब सिजलिंग्स होते हैं सब जिसको कहते हैं सोया सॉस हो गया, चिली सॉस हो गया, सिरका हो गया, आए हाय 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 पापड़ी मेरी मन पसंद। ठीक है जनाब तो अब आपको दिखाती है पार्सल सूप किस तरह देते हैं क्योंकि मैंने सुना चिकन कॉर्न सूप को बड़े जबरदस्त तरीके से पार्सल करते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। तो आइए मेरे साथ। सा सूप सर्व होने के लिए जा रहा है चिकन कॉर्न सूप जनाब। ये देखें पापड़ी लवाजमात और ये बॉल जनाब ये चेक कीजिए पिज्जा फ्राइज लोडेड पिज्जा फ्राइज है यहाँ पर, जबरदस्त चीज भी डाली हुई है और ऊपर से जा रही है चिकन और नीचे है इनके कैप्सिकम हैलापेनोज भी है और ऑलिव्स भी है। फ्राइज तो है उनके ऊपर से लवाजमात है वो मैं आपको बता रही हूँ, जबरदस्त हो गया सर। माइक्रो करेंगे इसको आप ओह चीज मेल्ट भी होगी माइक्रो होकर। और ये जा रहे हैं इसके ऊपर क्रश चिली जा रही है, रेड चिली का जो कुटी हुई मिर्ची होती है वो जा रही है। ठीक है जबरदस्त हो गया सर, अब जब ये माइक्रो जाएगी हम आपको दिखाते हैं। और ये आ गई है जबरदस्ती फ्राइज चुमी 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 यो, अब इस पे जाएगा मन पसंद का कैप। जबरदस्त हो गया जनाब हो गया, ये आ गया मन पसंद फूड वैली का मेन मक्खन चौरंगी जी। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरा बटेर के हवाले से ये छोटे छोटे नाजुक नाजुक प्यारे प्यारे बटेर रखे। अच्छा ये बटेर आप दिबा करके इनको मतलब लाइव डालते हैं या मतलब दिबा करके डाले हुए होते हैं पहले? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी और मुसलमान हैं जो कि हम दिबा करके हलाल करके ही इसमें डालेंगे, अब जिंदा तो डालना चाह रहे हैं इसमें। नहीं पहले से कटे हुए नहीं होते? नहीं पहले से कटे हुए नहीं होते, हम ज़िबा करते हैं फिर इसके अंदर डालते हैं। सर जो कल पिंजरे में थे वो आज यहाँ है और जो कल वहाँ जो आज वहाँ है वो कल यहाँ होंगे, कल यहाँ मतलब आप समझ रहे ना यहाँ ऐसे पड़े हुए होंगे। अच्छा समझ गया मैं। अच्छा मुझे ये बताइए दोनों सूप की वैरायटी क्या है?
ये है और बटेर की यखनी है, ये देसी चिकन की यखनी है। हमारे पास देसी चिकन यूज होता है ना के फार्मी और ना के क्या कहते हैं उसको मिस्री जो होती है वो भी यूज नहीं होता। सबसे ज्यादा हॉट इनमें से कौन सा चलता है आपका? सर दोनों अपनी अपनी जगह हॉट है। सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट जो लोगों का वो ये बटेर की यखनी जो है। अच्छा, इसमें कौन कौन से प्याले अवेलेबल है आपको? हमारे पास सुपर प्याला होता है, दोनों में एक ही वरायटी है, सुपर प्याला नॉर्मल प्याला। इसमें चिकन के रेट का फर्क है बस। अच्छा, सुपर प्याले में क्या चीज होती है, मतलब क्या इजाफी चीज है? सुपर प्याले में देखें, ये हमारा है छोटा बाउल ना, ये सिंगल पर्सन का बाउल है। तो अगर आप सादी यखनी चिकन की लेते हैं तो 150 की है, सादी यखनी बटेर की लेंगे तो 200 की है, ठीक है। और अगर सुपर प्याला चिकन का लेते हैं तो 450 का है, उसमें दो देसी अंडे और थोड़ा सा चिकन ऐड हो जाता है। और बटेर का जो है वो 550 का है, उसमें एक पूरा बटेर डलता है, दो देसी अंडे डलते हैं और यखनी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, चले मैं अभी ये सुपर प्याला ऑर्डर करता हूँ, आपको खाकर इसका पीकर इसको रिव्यू देता हूँ। बिल्कुल सर, आपको मैं प्याला दिखाता हूँ, आप आए आप पिए और उसके बाद जो है ना आप ये स्वेटर उतार के जाएंगे। स्वेटर तो चला कितना आप मेरे लिए एक सुपर प्याला बनाए जबरदस्त, और बनाते हुए मुझे बताते जाए आप क्या क्या डालें। दो देसी अंडे डाले, दो देसी अंडे आ गए भाई। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, ये जायफल है, काली मिर्च है, जीरा है, बड़ी इलायची है, लौंग है, बादियान है, सौंठ है। ये जनाब रेडी हो गया है सुपर प्याला, जिसमें दो अंडे देसी और एक बटेर, ठीक है। ऐसे ही ये मुझे दे रहे थे, मैं इसको पूरा पीऊंगा, सब कुछ खाऊंगा इसका। तो आइए मैं इसका पी के आपको रिव्यू देता हूँ। यार ये देखो, बड़ा जबरदस्त सूप बनवा के लाया हूँ मैं। ये है बटेर यखनी सूप, इसमें ये है सुपर प्याला, इसमें दो देसी अंडे डले हुए, और इसमें देखें आप ये है बटेर, और जबरदस्त टेस्ट है भाई, जबरदस्त टेस्ट है। तुम पी के तो देखो, अबे एक चम्मच पी के देखो, और देखें भाई ये है इसमें देसी अंडे, बेहतरीन लाजवाब। मैं इसको फिनिश करता हूँ फिर बताता हूँ आप। यूनुस, सूप तो बड़ी मजेदार है। सूप तो बेहतरीन है, और मैं फर्स्ट टाइम बटेर का यखनी सूप पी रहा हूँ। इसमें दो देसी अंडे डाल के दिए उन्होंने, और इसमें एक बटेर भी डाल के दिए, बेहतरीन सूप। आप टेस्ट करके बताएं। मैंने तो कभी पहले ही ट्राई किया है। अच्छा, तो मजेदार है, इसलिए सबको रिकमेंडेशन देती हूँ कि आप लाजमी इसको विजिट करें। बटेर का जो सूप है ना, ओहो, सर्दियों में तो लाजवाब है। और इसका जो बटेर जो ये इसकी क्वालिटी है कि आप ये नहीं कह सकते कि मरे हुए बटेर हैं तो ऐसे हाँ। तो वैसे लाइव आपको जिवा करके बना के यहाँ पे यखनी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप इसको फुल एंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में। चलें एंजॉय करते सूप। अब इसकी बारी आ गई खाने की। वाह 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 वाह। भाई मन पसंद आए और गप्पा राजा ने खाया तो क्या किया, तो ये डाल दिया नींबू गप्पा राजा पे, और अब इसको करेंगे हम ट्राई। ये आ गया गप्पा राजा, और ये आ गया यहाँ से सेव। ओह ये स्लिम्स लाजवाब, बड़ा समूह खा लेंगे और इसको खा लेंगे। सच बताऊं, ऑनेस्ट रिव्यू ये है, मुझे लगा था गोलगप्पे जैसा होता है, जस्ट पानी की कमी होती है, बट बिल्कुल अलग टेस्ट है गोलगप्पा, और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो एक बाइट और हो जाए, आप लोगों की फरमाइश में मैं एक बाइट और खा रही हूँ। पता है मुझे आप लोगों ने की नहीं है, अपनी खुशी के लिए आपका नाम ले लिया। तो एक और बाइट, क्रंची क्रंची से हूँ, लाजवाब। जरूर आइए, मन पसंद का गप्पा राजा जरूर खाइए।
सैलेट उठाना है ऐसे, ठीक है, और एक पापड़ी के ऊपर डालना है, और हमें एक पापड़ी ऐसे उठा लेनी पूरी, पूरा गोल गप्पे का साथ पूरा हो जाएगा जी, ये खा कर देखिए, छोटा हो वो बैठा कर जाए तब वो ना खाए, और अगर सब तेज तरीके से हाथ से खा ले नहीं तो मजा नहीं आएगा, पूरा चल चाहिए देखिए, ये तो चैलेंज हो गया यार, एक और चैनल आगे करी लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस लाजमी देखा करें और पूरी देखा करें, एंड में कमेंट्स लाजमी दिया करें और आगे शेयर किया करें, लाजमी थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर का बटन शेयर करें, बेल का आइकन भी दबा दें, तो इस ब्लॉग से यहीं पे लेते हैं इजाजत, अगले ब्लॉग के लिए आप लोग हमारे साथ रहिएगा हमेशा की तरह हमेशा, और अगर